हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारी धरती पर मौजूद सबसे बड़े जंगल अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की। धरती का दिल कहे जाने वाला यह जंगल अपने अंदर काफी बड़े और अनसुलझे रहस्यों को संजोए बैठा है। ये जंगल इतना घना है कि यहाँ के कई इलाकों पर तो आज तक सूरज की रोशनी तक भी नहीं पहुँच पाई है। इस जंगल के अंदर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी भी बहती है। यह नदी काफी खूबसूरत तो है ही, लेकिन इसी के साथ यह काफी भयानक और डरावनी भी है। इस नदी के अंदर ऐसे ऐसे खतरनाक जीव रहते हैं जिन्हें देखने के बाद अच्छे अच्छों को डर से बोलती बंद हो जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं अमेजॉन जंगल। यहाँ पर रहने वाले अद्भुत जीव और इसमें बहने वाली इस नदी से जुड़े कुछ अनसुलझे रहस्यों के किस्से। तो इसके हर एक रहस्य को जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। इस जंगल को धरती पर मौजूद अब तक का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे कितने ही अनसुलझे रहस्य हैं जो आज भी शोधकर्ताओं के लिए सिर का दर्द बने हुए हैं। धरती की उत्पत्ति के बाद से ही अभी तक यह जंगल एक ही तरह से चलता आ रहा है, और इस जंगल की धरती को चीरकर यह अमेजॉन नदी भी इसी तरह से बहती आ रही है। हमेशा से ही यहाँ के क्रिएचर्स इसी तरह से ही सर्वाइव करते हैं। यहाँ के पेड़ पौधे भी हमेशा से ही इसी तरह से उगकर बड़े होते हैं और फिर नष्ट होकर यहाँ की मिट्टी में ही मिलकर नष्ट हो जाते हैं। धरती पर जीवन के इतने साल बीत जाने के बाद भी यहाँ अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है अमेजॉन जंगल में होने वाली यह सारी की सारी प्रोसेस। यहाँ होने वाली भारी बारिश से लेकर कई जगहों पर पड़ने वाली तेज धूप तक, यहाँ तक कि यहाँ के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी यहाँ पर पलने वाले क्रिएचर्स ने इन हर एक कंडीशंस में जीने की अनोखी कला को सीख लिया है। यहाँ पर जीने के लिए ना ही कोई किसी की मदद करता है और ना ही कोई किसी पर निर्भर रहता है। यहाँ की हर एक सुबह हर एक जीव के लिए एक नई चुनौती लेकर आती है और उन्हें अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए लगातार स्ट्रगल करते ही रहना पड़ता है। चलिए अब एक नजर डालते हैं इस जंगल की भव्य सुंदरता पर। लाखों किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ इस जंगल को धरती पर कुदरत की सबसे खूबसूरत संरचना माना जाता है। यहाँ पर दुनिया के सबसे अनोखे क्रिएचर्स पाए जाते हैं। इसकी खूबसूरती में यहाँ पर कुदरत ने हजारों अलग अलग तरह के पेड़ पौधों की प्रजातियों का निर्माण किया है। यह जंगल जितना खूबसूरत है उतना ही अमेजिंग भी है। इस जंगल में फैले हुए यह पेड़ पौधे इस जंगल की खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि ये तो हमारी दुनिया के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। ये जंगल और इसमें बहने वाली नदियाँ धरती पर रहने वाले ज्यादातर जीव जंतुओं को अपनी गोद में आश्रय देने का काम करती हैं। अब ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनवायरनमेंट में भी जीवन का संभव हो पाना अपने आप में काफी बड़े आश्चर्य की बात है। यह जंगल ऐसे अनोखे और महत्वपूर्ण जीवों को सुरक्षित रखने का काम करता है जो शायद अगर आज इंसान की नजर में होते तो विलुप्त भी हो जाते, लेकिन यह जंगल ही है जो इन्हें कई हजारों सालों से इंसानों से बचाता आ रहा है। ऐसे में सिर्फ कुदरत से स्ट्रगल करना ही इन जीवों के लिए सर्वाइव करने का एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। धरती के लंग्स हैं अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। यह जंगल सिर्फ इन जानवरों के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी धरती और हम इंसानों के लिए भी काफी अहम भूमिका निभाती है। धरती पर कुल 20% से भी ज्यादा ऑक्सीजन प्रदान करने में इस जंगल का ही हाथ है। वैसे तो इस जंगल में पाए जाने वाले पेड़ पौधे इतने ऊंचे और घने हैं कि ये सनलाइट को पूरी तरह से अपने आप में ही समेट लेते हैं और सूरज की रोशनी को इसकी धरती तक भी पहुँचने नहीं देते। लेकिन यही पेड़ इस जंगल के लिए एक तरह से फ्यूल का भी काम करते हैं। यह पेड़ पौधे ही पूरी तरह से इस जंगल की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार हैं। एक तरह से यह पूरा का पूरा जंगल इन पेड़ों पर ही टिका हुआ है। कहा जाता है कि दुनिया के लगभग 10% से भी ज्यादा जीव इस जंगल में ही रहते हैं, और ये तो वो जीव हैं जिनके बारे में अभी तक वैज्ञानिक पता लगा चुके हैं। लेकिन उनका मानना है कि अभी भी इस जंगल में इससे कई ज्यादा अनदेखे जीव भी मौजूद हैं जो समय समय पर इंसान की नजर के सामने आकर उन्हें चौंका देते हैं। इस जंगल की विशालता का पता यहीं से लगाया जा सकता है कि यहाँ वैज्ञानिक हर 3 दिन में एक नए जीव की खोज कर निकालते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह जंगल इतना बड़ा है कि यह ब्राजील, पेरू, कोलंबिया और वेनेजुएला जैसे 9 बड़े देशों तक फैला हुआ है। अमेजॉन रिवर का महत्व। अब ऐसा भी नहीं है कि धरती को अमेजॉन की जरूरत सिर्फ यहाँ के पेड़ पौधों के लिए ही है, बल्कि यहाँ की नदियाँ भी हमारी धरती और हम इंसानों के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि ये जंगल। इस जंगल से होकर गुजरने वाली हजारों किलोमीटर के एरिया में बहने वाली अमेजॉन रिवर को धरती की लाइफलाइन भी माना जाता है। सिर्फ अमेजॉन रिवर ही नहीं, बल्कि इसके साथ ही इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं जो इस जंगल की जरूरतों को तो पूरा करती ही हैं, बल्कि यह तो हमारी धरती को साफ पानी उपलब्ध कराने के साथ साथ इसमें रहने वाले जीवों को एक सिक्योर एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड कराती हैं। अमेजॉन रिवर इस पूरे जंगल में से होते हुए ब्राजील से होकर अटलांटिक ओशन में जा मिलती है, और ये रिवर जुड़ी हुई है इसकी 1000 से भी ज्यादा सहायक नदियों से।
अधिक बारिश होने से यह नदियां आसपास के इलाकों के लिए ड्रेनेज का काम करती हैं। लेकिन अब ऐसे में एक सवाल और खड़ा हो जाता है कि जब यह जंगल हम इंसानों और धरती के लिए इतना ज्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण है तो फिर आखिर इसे इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। तो अगर अमेजन जंगल की बात की जाए या फिर इसमें बहने वाली नदियों की, इस जंगल की पूरी दुनिया अलग अलग तरह के खतरनाक जानवरों से भरी पड़ी है। अब यह कह देना कि यहाँ पर पाए जाने वाले सारे के सारे जीव ही खतरनाक हैं, ये काफी गलत होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसे जीव भी पाए जाते हैं जो कि काफी बड़े हैं, जिनकी वजह से इन्हें जायंट भी कहा जाता है। ये इस जंगल में लगभग हर एक जीव और यहाँ तक कि इंसानों के लिए भी काफी बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक नजर डालते हैं अमेजन की इस नदी और इसके आसपास रहने वाले कुछ ऐसे खतरनाक जीवों पर, जिनके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। एनाकोंडा। वैसे तो इंसानों में खौफ पैदा करने के लिए सांप का नाम ही काफी होता है, लेकिन एनाकोंडा सांपों की एक ऐसी प्रजाति है जिसका खौफ इस पूरे जंगल के हर एक जीव में देखने को मिलता है, क्योंकि ये यहाँ के जंगल की धरती के साथ साथ पानी में भी आतंक मचाए रखता है। जहाँ यह सांप 20 फीट से ज्यादा बड़ा हो जाता है, वहीं अगर बात की जाए इसके वजन की तो एक वयस्क एनाकोंडा 300 किलोग्राम से भी ज्यादा वजनी हो जाता है। अब यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस जंगल में घूमने वाला यह दानव कितना खतरनाक होगा। एक एनाकोंडा इतना डेयरिंग होता है कि यह तो किसी पर भी हमला करने से नहीं डरता, यहाँ तक कि यह तो क्रोकोडाइल, जैगुआर और इंसानों तक को भी झपट कर मौत की नींद सुला देता है। ये जमीन पर तो थोड़ा सुस्त होता है, लेकिन पानी में जाते ही काफी तेज गति से तैरने लगता है। इसके शिकार को पकड़कर उसे जकड़ने की स्ट्रेटजी बेहद दर्दनाक होती है। यह सभी चीजें इसे अमेजन जंगल का सबसे बड़ा शिकारी बना देता है। इलेक्ट्रिक इल। मछलियों की प्रजातियों में इलेक्ट्रिक इल से ज्यादा खतरनाक शायद ही कोई दूसरा जीव होगा, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी मछली है जो अपने शिकारी और शिकार दोनों को ही मात देने के लिए बिजली के झटके का इस्तेमाल करती है। इसके अंदर इतना जबरदस्त करंट होता है कि यह किसी को भी 500 वोल्ट तक का इलेक्ट्रिक शॉक दे सकती है। यही कारण है कि कई बार यह अपने से काफी बड़े जीवों को भी मौत के घाट उतार देती है। कैमन। कैमन एलिगेटर की ही प्रजाति का एक ऐसा जीव है जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। यह अमेजन के खाड़ी इलाकों में झुंड में रहना पसंद करते हैं। कहा जाता है कि अमेजन के इन जंगलों में 10,000 से भी ज्यादा कैमन पाए जाते हैं। इतनी संख्या में इकट्ठा होने के बाद शायद ही कोई जीव इनका भोजन बनने से बच पाता होगा। अमेजन की नदी और खाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले यह कैमन भी धरती के खतरनाक जीवों में से एक माने जाते हैं। पॉइजन डार्ट फ्रॉग। जहां मेढक का यह रंग काफी खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखाई देता है, वहीं यह रंग यहां के लगभग ज्यादातर जीवों के लिए मौत का बड़ा कारण भी बनता है, क्योंकि यहां के जीव और इस जंगल में जाने वाले इंसान तक इसके इस रंग से अट्रैक्ट होकर इसे छूने के लिए इसकी ओर खींचे चले आते हैं, और यही उनके जीवन के लिए सबसे बड़ी गलती बन जाती है, क्योंकि यह मेढक काफी जहरीला होता है। यही कारण है कि इसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग नाम से भी जाना जाता है। यह फ्रॉग इस जंगल में पाया जाने वाला कुदरत की सबसे अनोखी संरचना में से एक है। इस जंगल में अभी तक इस मेढक की करीब 170 से भी ज्यादा प्रजातियों को ढूंढा जा चुका है। कहते हैं कि ये इस जंगल में पाए जाने वाले जहरीले कीड़ों को खाकर अपना गुजारा करता है, और इसी कारण से ही यह मेढक भी बेहद जहरीला हो जाता है। इस मेढक में इतना ज्यादा जहर होता है कि इसे सिर्फ छूने भर से ही किसी की भी मौत हो सकती है। रेड बेलीड पिरान्हा। इस जंगल में पाई जाने वाली खतरनाक मछलियों में से एक पिरान्हा भी है। यह मछली इतनी खतरनाक होती है कि अब तक इसके ऊपर तो कई सारी मूवीज भी बनाई जा चुकी हैं। यह मछली बदनाम है अपने हमला करने की आक्रामक तरीके के लिए। वैसे तो यह मछली ज्यादातर प्लांट, मरे हुए जीव और इंसेक्ट्स को ही खाकर गुजारा करती है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे किस्से भी सुनने आए हैं जब इन्होंने इंसानों को खाकर उनकी हड्डियों तक को भी चकनाचूर कर दिया। इनके ये तेज धार वाले नोकीले दांत मांस को चीरफाड़ करने के लिए ही बने हैं, और इन मछलियों का झुंड तो किसी बड़े खतरनाक जीव से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। यही कारण है कि इस मछली का भी इस जंगल में काफी आतंक है। बुल शार्क। एक शार्क कितनी खतरनाक मछली होती है, यह बात तो सारे जग में जाहिर है, लेकिन अमेजन की नदियों में पाई जाने वाली बुल शार्क तो बेहद ही खतरनाक होती है। यह शार्क बदनाम है इंसानों का शिकार करने के लिए। इसका आकार 12 फीट तक लंबा हो जाता है। यह देखने में तो खतरनाक लगती ही है, ठीक इसी प्रकार से इसका नेचर भी काफी अग्रेसिव होता है। यह पानी में तैरने वाले लगभग हर एक तरह के जीव पर देखते ही हमला कर देती है। कई बार तो इसे डॉल्फिन और कई तरह के मैमल्स को भी अपना शिकार बनाते हुए देखा है। किसी भी जीव के लिए अमेजन के इस खतरनाक शिकारी से बचकर रहना काफी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी अमेजन के इस जंगल और इस नदी से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग और अमेजिंग जानकारियाँ। हमें उम्मीद है कि आपने हमारी आज की इस वीडियो से कुछ न कुछ नया जाना और सीखा तो जरूर होगा। इस महत्वपूर्ण जानकारी को